हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव, मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे लेक्सस एलएक्स की टेस्ट ड्राइव, हीरो करिश्मा XMR का रिव्यू, व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 7 लाख रुपए में दिव्यांग के लिहाज से बेस्ट कार। बेस्ट है, आप मारुति के प्रोडक्ट देखिए और उसके अंदर जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप देख रहे हैं ऐसी गाड़ी जिसमें लग्जरी हो, कंफर्ट हो और साथ ही ऑफ रोडिंग भी मिले लेकिन बजट का कोई इशू ना हो, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्सस LX, जो कि लेक्सस की तरफ से इंडिया में फ्लैगशिप SUV है। इसमें सेडान जैसा कंफर्ट मिलता है और प्रॉपर ऑफ रोडिंग भी मिलती है। कैसी है ये गाड़ी, क्या खास है इसमें, जाने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। लेक्सस की फ्लैगशिप SUV फाइनली 2023 में इंडियन मार्केट्स में आ चुकी है विद अ प्राइस टैग ऑफ 3 करोड़ रुपीज, यानी लेक्सस की तरफ से LX लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मॉडल है जो इंडियन मार्केट्स में फिलहाल बिकता है। इसकी पर्सनालिटी ह्यूज है, ये टफ है और ये एक्सक्लूसिविटी ऑफर करती है, यानी ये कोई एवरेज लग्जरी SUV नहीं है। इनफैक्ट एट वेरी फर्स्ट ग्लैंस आप खुद देख सकते हैं लेक्सस LX इज ऑल अबाउट प्रेजेंस, ग्रैंडियर एंड इट डेफिनेटली स्टैंड्स आउट ऑफ क्राउड। ये ह्यूज इसलिए दिखती है क्योंकि इसके डिमेंशंस ही ऐसे हैं। ये 5.1 मीटर लंबी है, इसकी जो विड्थ है वो लगभग 2 मीटर की है और 1.89 मीटर ये टॉल है, तो यानी 2 मीटर के आसपास ही ये ऊंची भी है। और इनफैक्ट 2850 मिलीमीटर का इसमें व्हील बेस मिलता है, तो बड़ा व्हील बेस है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर भी आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सटीरियर की बात करेंगे तो डेफिनेटली लेक्सस कार्स की जो हाईलाइट होती है वो मैसिव ग्रिल होती है और सिमिलरली इस गाड़ी में वो साफ तौर से रिफ्लेक्ट होता है। बड़ी ग्रिल आपको मिलती है, ग्रिल में फ्रंट में लेक्सस का लोगो मिल रहा है, नीचे आपको ये फ्रंट कैमरा मिल रहा है, काफ़ी सारे रेडार्स और सेंसर्स भी आपको दिखाई देंगे। क्रोम का ज़्यादा इस्तेमाल फ्रंट फेस में नहीं है, इनफैक्ट ब्लैक ग्लॉस फिनिश का इस्तेमाल आपको ग्रिल में दिखाई देगा। साथ ही ग्रिल से अटैच ये हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो कि रेक्टेंगल शेप में है, थोड़े स्लीक हैं अगर आप ग्रिल के साइज से कंपेयर करें तो। नीचे की तरफ DRLs मौजूद हैं और साथ ही यहाँ पर एयर डैम्स भी दिए गए हैं। अगर आप इसका बोनट देखेंगे तो आपको शार्प क्रीजेज, लाइंस और वो बॉक्सी प्रोफाइल तो डेफिनेटली नज़र आएगा ही, बट जैसे ही आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो काफ़ी सारे SUV एट्रीब्यूट्स आपको इस गाड़ी में नज़र आएंगे। आपको सबसे पहले तो ये स्क्वायर शेप के व्हील आर्क्स दिखाई देते हैं। एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, गाड़ी को चारों तरफ से देखेंगे तो आपको बॉडी कलर्ड क्लैडिंग मिलेगी, ब्लैक क्लैडिंग नहीं दी गई है। यहाँ ये साइड स्टेप मौजूद है, हालांकि जिस प्राइस टैग के साथ ही आती है इसके राइवल्स में आपको कुछ फैंसी इलेक्ट्रिकल साइड स्टेप्स का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो इसमें यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ विंडोज़ के चारों तरफ आपको क्रोम लाइन मिल रही है, रूफ रेल्स आपको मिल रही हैं। व्हील साइज़ इसका 22 इंच का है और डेफिनेटली ये अप्रोप्रिएटली फिट करता है इस साइज़ की गाड़ी के साथ। बड़े ओवरहैंग्स आपको रेयर प्रोफाइल में मिलते हैं। अब रेयर की तरफ आएंगे, इसका फ्रंट जितना अग्रेसिव है उतना ही सटल आपको इसका रेयर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको बड़ा लेक्सस की ब्रांडिंग दिखेगी, LX500D जो वेरियंट का नाम है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये लाइट टेल बार है जो कि दोनों ही टेल लाइट्स को कनेक्ट करती है। अब इसका फटाफट से बूट दिखा देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में इनफैक्ट लेक्सस LX 3-row seat ऑप्शन के साथ आती है, लेकिन इंडियन मार्केट में कंपनी इसे सिर्फ 2-row car के तौर पर ही लेकर आई है, जिसकी वजह से आपको ये बड़ा कार्गो स्पेस मिलता है जिसका साइज लगभग 1960 मिलीमीटर का है, तो स्पेस तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट 2nd row seats को आप फोल्ड भी कर सकते हैं तो उससे तो ये और भी ह्यूज हो जाएगी, पूरा एक बेड बन सकता है। 2nd row seats को फोल्ड करने के लिए यहाँ आप क्लोजली देखेंगे यहाँ बटन्स मौजूद हैं, लेफ्ट और राइट दोनों सीट्स को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर ये दिए गए हैं, तो कार्गो स्पेस भी इसमें काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं फटाफट से गाड़ी के अंदर। अब 2 मीटर ऊंची गाड़ी है तो इसमें बैठने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगते हैं ही, और शायद इसीलिए ये फ्रंट में आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं जिसकी मदद से आप गाड़ी के अंदर क्लाइंब कर सकते हैं। अब ह्यूज है ये तो अंदर आपको स्पेस डेफिनेटली काफ़ी सारा दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लगेगी।
हेड रूम, नी रूम, लेग रूम या फिर शोल्डर रूम से रिलेटेड, क्योंकि भरपूर स्पेस गाड़ी के अंदर मौजूद है। ब्लैक ब्राउन इंटीरियर्स आपको इसमें मिलते हैं गाड़ी के अंदर, और सीट्स भी इसकी काफ़ी ह्यूज है और काफ़ी कंफर्टेबल है। साइज सीट्स का मतलब डिसेंट है, और अगर हम रेयर सीट्स को भी इनकॉर्पोरेट करें तो मान के चलिए कि 5 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। हालांकि अगर आप इस प्राइस रेंज में बाकी कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे, फिर चाहे वो मर्सिडीज, बेंटले या रेंज रोवर की कार्स हों, तो आपको उनमें ज़्यादा फैंसी इंटीरियर्स या फिर ज़्यादा लग्जरी फील देने वाले इंटीरियर्स मिलते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लग्जरी दिखाई देगी, वो जो मॉडर्न टच है वो ये कहीं ना कहीं लैक करती है, बट शायद यूजुअली लेक्सस कार्स में आपको इसी तरीके के इंटीरियर्स दिखाई देते हैं। सेंट्रल कंसोल में आपको ये 12.3 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जिसमें आपको कोई बहुत फैंसी ग्राफिक्स या लेआउट्स तो नहीं मिलेंगे, बेसिक इंटरफेस है, इनबिल्ट नेविगेशन इसमें मौजूद है। उसके नीचे आपको 7 इंच का क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, और सेंट्रल कंसोल में इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे आजकल जो मॉडर्न टच में मिलता है, बाकी गाड़ियों में सब टच कंट्रोल्स मिलते हैं, इसमें टच कंट्रोल्स नहीं है बल्कि बटन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। इनफैक्ट इस टच स्क्रीन के नीचे पूरे क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस तो मौजूद हैं ही, और उसके नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ ड्राइव मोड का ऑप्शन दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, वायरलेस चार्जिंग है, कूल ग्लव बॉक्स यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही एक्सेसिबिलिटी हालांकि इस गाड़ी में आसान है, मतलब कि जितने भी बटन्स आपको चाहिए इस गाड़ी के फंक्शंस या फीचर्स को ऑपरेट करने के लिए, वो ईजिली आप रीच आउट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ आपको राइट हैंड साइड पे ड्राइवर सीट के लिए वेंटिलेटेड हीटेड बटन्स मिलते हैं, राइट हैंड साइड पे आपको को पैसेंजर के लिए हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन आपको मिल रहा है। यहाँ आप देखेंगे क्योंकि इसमें हीटेड स्टेयरिंग का भी फीचर दिया गया है, तो उसको भी ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर बटन मौजूद है। साथ ही अगर आप इस सेंट्रल कंसोल में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड के अलावा कुछ बटन मौजूद है, क्योंकि ये 4x4 है तो 4x4 सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए भी यहाँ पर बटन दिया गया है। ऑलरेडी ये 2 मीटर इसकी लगभग 2 मीटर के आसपास की इसकी हाइट है, यानी ये 2 मीटर टॉल है, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 210 मिलीमीटर के आसपास का है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसकी राइड हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। राइड हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए भी यहाँ पर सेंट्रल कंसोल में बटन्स मौजूद हैं, तो सारे फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए एक्सेसिबिलिटी तो डेफिनेटली इसमें ईजी है। जो चीज़ें लैगिंग है वो 2-3 है, एक तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ आपको नहीं मिलती, बेसिक सनरूफ मिल रही है, बहुत फैंसी जैजी इंटीरियर्स नहीं मिलते हैं। लेक्सस में आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है वो भी बेसिक ही है। आजकल कंपनियां स्विच कर रही हैं हाइब्रिड्स पर, पेट्रोल्स पर, इलेक्ट्रिक्स पर, लेकिन इंडिया में लेक्सस ओनली डीजल इंजन ऑप्शन के साथ इसे लेकर आई है। इसमें आपको 3346 सीसी का डीजल इंजन मिलता है, जो 304 एचपी की पावर और 700 Nm का पीक टॉर्क लैंड करता है, लेकिन ये डीजल गाड़ी इतने ह्यूज साइज के साथ कैसा परफॉर्म करती है, लेट्स सी। तो इस गाड़ी के इंजन को पेयर किया गया है 10-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ, आपको डेफिनेटली पैडल शिफ्टर्स तो मिलते हैं ही फॉर बेटर गियर रेशियोज, और 210 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी टॉप स्पीड है, और ये 0-100 किलोमीटर की जो स्पीड होती है वो 8 सेकंड्स में हासिल कर रही है। 8 सेकंड्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि 3300 किलो वजन है इस गाड़ी का, साइज़ इसका ह्यूज है, उस हिसाब से 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है 8 सेकंड्स में हासिल करना वो इम्प्रेसिव ही है। इसमें आपको इन टोटल 6 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जिसमें नॉर्मल, इको, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस तो है ही, एक कस्टम मोड भी है जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इतनी बड़े साइज़ की गाड़ी चला रहे हैं अगर आप, और स्पेशली अगर सेकेंड रो में बैठे हैं, तो बॉडी रोल तो आपको मिलेगा ही, तो इसमें बॉडी रोल तो है। दूसरी चीज़ जो मैजिक है इसमें, वो है इसका अडेप्टिव एयर सस्पेंशन, जिसकी वजह से पॉट होल्स हों या गड्ढे हों वो केबिन के अंदर महसूस होते ही नहीं हैं। इनफैक्ट इसमें आपको टेरेन मोड्स मिलते हैं, अलग अलग तरीके के टेरेन के हिसाब से भी मोड्स इसमें दिए गए हैं, पर चाहे वो डर्ट हो, सैंड हो, स्नो हो, जो यूजुअली आपको ऑफ रोडिंग गाड़ी में मिलते हैं, वो इसमें भी मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें आपको सेफ्टी के लिए 10 एयरबैग्स तो मिलते हैं ही, तो सेफ्टी भी इसमें है। यूनिक फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी इसमें मौजूद है,
तो स्टार्ट स्टॉप बटन तो इसमें है ही, लेकिन इस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन सिस्टम की वजह से एक लिमिट हो जाती है कि कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी गाड़ी है तो इसका टर्निंग रेडियस भी काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट आगे हम टर्न करेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे, अगर चौड़ी रोड नहीं होती है, नैरो रोड है, तो आपको थोड़े एफर्ट्स लेने पड़ते हैं इसको घुमाने के लिए। तो ये आपने देखा टर्निंग रेडियस इसका काफ़ी बड़ा है, ये थ्री लेन रोड है, तब हम इसको आसानी से मोड़ पाए। अगर टू लेन रोड होती तो हमें डेफिनेटली रिवर्स करना पड़ता। तो फाइनली अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 3 करोड़ के प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है, या फिर अगर आपका इतना बजट है तो क्या आपको ये लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आपको ह्यूज केबिन चाहिए, ग्रैंडियर चाहिए, मैसिव प्रेजेंस चाहिए और फाइन ड्राइविंग और राइडिंग क्वालिटी चाहिए, तो आप डेफिनेटली लेक्सस एलएक्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली भीड़ में अलग दिखने वाली गाड़ी तो है, कुछ मिसेज ज़रूर हैं, लेकिन एक अच्छी ऑफरिंग है लेक्सस की तरफ से। तो इस फ्लैगशिप एसयूवी में भरपूर फीचर्स और कंफर्ट तो मिलता है, लेकिन कीमत भी उतनी ही चुकानी होगी। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे हीरो करिश्मा XMR का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज़ ओवर ड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवर ड्राइव। हीरो मोटो ने पिछले साल अपनी परफॉर्मेंस बाइक करिश्मा XMR का लॉन्च किया था। इस बाइक को इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था कि हाई डिमांड की वजह से कंपनी ने इसकी बुकिंग्स को रोक दिया था। अब फाइनली कंपनी ने इस बाइक की बुकिंग्स को रीओपन किया है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या खास है इस बाइक में, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। करिश्मा XMR पिछले साल लॉन्च हुई थी, लेकिन इसकी इतनी डिमांड हुई, इतने लोग चाहने वाले हुए कि इसकी बुकिंग कंपनी को बंद करनी पड़ी। और अब कुछ दिन पहले कंपनी इसकी बुकिंग खोल चुकी है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस बाइक के 5 पॉइंट्स को लेकर के। जी हाँ, उनमें जो पहला है लुक और डिज़ाइन, दूसरा है इसके इंजन और परफॉर्मेंस, तीसरा है इसकी ब्रेकिंग सिस्टम और हैंडलिंग, और चौथा है माइलेज, और 5वां कीमत के मामले में हम इसे परखेंगे बाइक कहाँ बैठती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी जो खूबसूरती है, जो इसकी स्टाइलिंग है, क्योंकि यही बाइक जो है लोग इसके स्टाइलिंग पर मरते हैं। तो बता दूं जो इसका लुक और डिज़ाइन है बिल्कुल जो ओरिजिनल जो DNA है उसी पर बेस्ड है, और इसी वजह से आप अगर इस बाइक को लेकर निकलते हैं तो लोग देख करके आपको जरूर बोलेंगे, या तो थम्सअप करेंगे या तो फिर ऐसे करके जरूर इशारा करेंगे। तो जो सामने का जो लुक है वो जैसे एक स्पोर्ट्स बाइक को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। सामने आपको जो हेडलैम्प दिख रहा है वो LED शेप में है, और जो इसका ये आप विंडस्क्रीन देख रहे हैं इसको आप अप या फिर डाउन कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर प्रेस करना है, और प्रेस करके इसे मैं अभी मैंने अप किया हुआ, और इसको डाउन कर सकते हैं या फिर इसको अप कर सकते हैं। ये फीचर्स जो हैं इस सेगमेंट के किसी भी बाइक में नहीं है। दूसरी चीज़ जो इसका फ्रंट फोक है वो नॉर्मल 35mm का टेलीस्कोपिक फोक है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच के टायर दिए गए, लेकिन जो रियर टायर है थोड़ा सा वाइडर रखा गया ताकि आपको बेहतर ग्रिप मिले। करिश्मा का जो फ्यूल टैंक है, हैंडल बार है और सीट है, उसको इस तरह डिज़ाइन किया गया ताकि ये डिज़ाइन लैंग्वेज का एक पार्ट भी हो और राइडर को बेहतर कंफर्ट और ग्रिप मिले। जो फ्यूल टैंक है इसकी कैपेसिटी है 11 लीटर, सीट का जो हाइट है वो है 810mm, और जो हैंडल बार है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया ताकि आपको ना ही ज़्यादा लीन होने की जरूरत पड़ता है, ना ही आपको ज़्यादा अप होने की जरूरत पड़ता है। यानी इसे एक स्ट्रीट स्पोर्ट्स बाइक को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया ताकि इसे आराम से आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी आसानी से चला सकें। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें सिंगल सिलेंडर
210 सीसी का इंजन लगा है जो लिक्विड कूल इंजन है, जो काफ़ी स्मूथ है और हीरो के पोर्टफोलियो में ये पहला इंजन है 210 सीसी का। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है कि हाई आरपीएम पर काम करती है, यानी जितना आप थ्रॉटल खोलें कि बाइक उतना भागती है। और जो इसका नंबर है यानी जो पावर है वो 25.5 पीएस है, टॉर्क 20.4 न्यूटन मीटर और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। दूसरी चीज़ कि ये जो इंजन है DOHC यानी ड्यूल ओवरहेड कैम सिस्टम पर काम करता है, जबकि इस सेगमेंट के जो दूसरी बाइक हैं चाहे वो पल्सर हो या फिर NS हो उसमें आपको सिंगल ओवरहेड कैम दिया हुआ है। तो इससे फ़ायदा ये होता है इंजन काफ़ी स्मूथ है और जो इसकी थ्रॉटल है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, आप जितना खींचते हैं उतना जाती है। मैंने इसे करीब 120-125 की स्पीड में चलाया, आराम से स्मूथ भागती है, लेकिन इस 70 और 80 के स्पीड में काफ़ी स्मूथ चलती है और कहीं भी आपको कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलता है। हैंडलिंग और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस बाइक को आप जितने भी स्पीड में चलाएं, चाहे आप टर्न के दौरान चला रहे हो या फिर हाईवे सिंपल या स्ट्रीट रोड पर, बाइक आराम से रोड को पकड़ के चलती है। और दूसरी चीज़ कि जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी शानदार है और इसके पीछे दो वजह है। पहली है कि इसके फ्रंट में 300 डायमीटर का डिस्क ब्रेक है जबकि रियर में 230 का डिस्क ब्रेक है, और दूसरी चीज़ कि इसमें ड्यूल चैनल ABS दिया गया है। और जो इसका रोड पर पकड़ होने के पीछे वजह है कि जो इसका ट्रेली फ्रेम है वो इंजन और बाइक को कस करके बांधे रखता है और इसी वजह से बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है। माइलेज की बात करें तो माइलेज डिपेंड करता है कि आप इस बाइक को कैसे चलाते हैं और किस रोड कंडीशन में चलाते हैं। और दूसरी चीज़, ये बाइक जो है स्पोर्ट्स बाइक है ना कि कम्यूटर बाइक, तो जो इसकी जो माइलेज है जो मुझे मिला है टेस्ट के दौरान वो है 24-25 किलोमीटर, लेकिन माइलेज हो सकता है कि आपको इससे कम मिले या फिर ज़्यादा मिले, वो आपके चलाने और रोड के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कीमत की बात करें तो करिश्मा XMR की जो एक शोरूम कीमत है वो है 1,80,000 रुपया, और जो इसका सीधा मुकाबला है वो है बजाज पल्सर RS 200, NS 200 और KTM RC 200 से। कीमत मामले में अगर इसे कंपेयर करें तो जो RC 200 है उससे थोड़ी सी सस्ती है, जबकि जो RS 200 है बजाज की, NS 200 है उससे थोड़ी सी महंगी है। यानी इस बाइक में जो फीचर्स दिए गए, जिसकी पावर है, परफॉर्मेंस है और जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है उसके लिहाज से जिसकी कीमत है परफेक्ट। के साथ साथ व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी है, इसके क्या है फायदे, क्या है नेसेसिटी, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक।
व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवर टाइम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 7 लाख रुपए के बजट में दिव्यांग के लिए कार कौन सी है, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद है। टूटू जी स्वागत है आपका। जो पहला सवाल मिला है वो विशाल ने भेजा है, इनका कहना है कि ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है और उस हिसाब से एक हैचबैक खरीदना चाहते हैं जहाँ पे ये कंफर्टेबल और सेफ भी फील करे, बजट इनका 7 लाख रुपए है। विशाल जी बेस्ट है, आप मारुति के प्रोडक्ट देखिए और उसके अंदर जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो है वैगन आर की। नॉट ओनली दैट, इसके बहुत सारे आप जैसे लोग हैं जिन्होंने ये गाड़ियां लेके और बाहर से उनको कुछ मॉडिफाई करके अपने कंफर्ट के लिए उसको चेंज कर लिया। उसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसका AMT जिसको कहते हैं वो ऑप्शन है, साथ में CNG की ऑप्शन है, पेट्रोल का इंजन है 1.2 लीटर जो कंपनी का दावा है 23 किलोमीटर का, पर आपको 15 से 18 किलोमीटर आराम से दे देती है इन टाउन, और बाजार से आप उसको मॉडिफाई करवा लीजिए तो आपको वो आपके कम्फर्ट में आ जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट आप अपना हैंडीकैप बताएंगे कंपनी को तो आपको उनकी तरफ से डिस्काउंट भी मिलेगा डिपेंडिंग ऑन ईच स्टेट, हर स्टेट के अलग अलग डिस्काउंट हैं वो आपको लागू होंगे। अगला सवाल है शोभना त्रिपाठी का, ये 6 to 7 seater SUV देख रही हैं। इन्होंने Hyundai Elcazar, टाटा सफारी और महिंद्रा XUV700 को शॉर्टलिस्ट किया है, जानना चाहते हैं इन सब में से बेस्ट चॉइस कौन सी है। त्रिपाठी जी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है वो महिंद्रा की XUV है, XUV700 सबसे बढ़िया, उसके अंदर फीचर्स हैं बहुत सारे और साथ साथ में कंफर्ट लेवल भी बहुत हैं। ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैज अ प्राइस, 14 लाख से शुरू होती है और 27 लाख तक जाती है, जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन है, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन की ऑप्शन है, पर सिर्फ ये है कि हो सकता है थोड़ी सी आपको वेटिंग करनी पड़ जाए उसकी, तो वही दैट इज दी ओनली ड्रॉबैक। प्लस आपको 4x4 की ऑप्शन, ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन भी मिलती है, सो इतनी सारी ऑप्शंस आपको महिंद्रा की XUV के अंदर ही मिलेंगी और कोई भी कंपनी आपको नहीं देख राजी। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।